इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। ये खुद ही आतंकवादी हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। जितने सरकार में बैठे लोग हैं ये वही लोग हैं जो देश को आज़ाद नहीं होने देना चाह रहे थे। ये अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों की टोली है। जो लोग 1947 में मुस्लिम लीग के फजाहुल हक के साथ सरकार बनाई थी ये वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लोग हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने की बात की थी। 1943 में गुलाम हुसैन उदतुल्ला खां और जिन्ना के साथ सिंध प्रांत में सरकार बनाई थी और धर्म के आधार पर विभाजन की बात की, अखंड भारत को खंड खंड किया। एक बात बताइए, आज बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि है, उनके पुण्यतिथि पर उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बाबा अंग्रेजों ने कहा था कि भारत में अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग प्रांतों के लोग रहते हैं, ये ज़्यादा दिन तक आज़ाद नहीं रह सकते। बाबा साहब अम्बेडकर ने उसके जवाब में क्षमता मूलक समाज की बात की थी, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात की थी। आज इसी कारण अखंड भारत भारत बन के रहा। ये वही लोग हैं जो उस, एक बात बताइए, 80,000 स्वतंत्रता सेनानियों में सेलुलर का जीजा, सेलुलर जेल में जो 80,000 स्वतंत्रता सेनानी बंद थे उसमें सावरकर का क्या जीजा या फूफा लगता था? गोरा अंग्रेज जो उनको 60 रुपया महीना पेंशन देता था, इसी बात का ना देता था? आपने देखा होगा जो लोग देश में, जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, जो लोग अंग्रेजों की दलाली कर रहा था, कौन था वो? सूर्य नारायण कौन था? हेडगेवार का दोस्त था, जिसके गवाही से भगत सिंह को फांसी मिली थी। आपको भूलना नहीं चाहिए, ये वही कौम है जिसने देश को आज़ाद कराया, ये वही कौम है जिसने गुरु नानक ने धर्म क्या है, मानवता के लिए धर्म जाना जाता है, उसकी परिभाषा बताई। ये वही कौम के लोग हैं जो छुआछूत अमीरी गरीबी को दूर किया। आप जब लंगर खाने जाओगे तो आपके जूतों में पॉलिश करके मिलता है, आपको वहाँ ये नहीं पूछा जाता कि आप किस जाति और किस धर्म के हैं। दूसरी बात, कितनी विचित्र मानसिकता के लोग हैं। अरे कुत्ता भी रोटी खाता है मनोज तिवारी जी, हॉस्टल रिंकिया के पापा है, जो 5 रुपया के अंडा के लिए ब्राह्मण होके बिग बॉस में छीछा लेदर करता है। अरे उस कुत्ते से सीखा होता, जो कुत्ता मालिक का रोटी खाता है तो उसके सामने पूंछ हिलाता है, उसकी वफादारी करता है, कोई अनजान आदमी आने पर भौंकता है, नहीं होता है अनजान को काट लेता है। आप तो उस कुत्ते से भी गए गुजरे लोग हो, निकम्मो जाहिलो। जिस किसान भाई का, जो पालनहार देश के अन्नदाता किसान भाइयों की रोटी खाते हो, उसे ही खालिस्तान एंगल से जोड़ रहे हो, आतंकवादियों कह रहे हो, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग कह रहे हो। अरे देश ने देखा, कल भी आप टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग थे, आज भी टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हो। ये देश आपके बाप की जागीर नहीं है। गीले चावल में थोड़ी सी गलती से शक्कर क्या गिर गई, आप उसको खीर समझ बैठे? देश की भोली भाली जनता ने आपको वोट कह दे दिया, अपने बाप की जागीर समझ बैठे? चंद कदम की दूरी पर सत्ता में बैठे हुए हुक्मरान के लोग हैं जो 2014 में कहते हैं, कहाँ गया ओपी धनकर, कहाँ राजनाथ सिंह, कहाँ हेमा मालिन जो गेहूं की बाली लेके कटाता है, कहाँ है 2.5 किलो के हाथ वाला आदमी, आज क्या 2.5 कदम नहीं चल सकता? कहाँ है अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, कहाँ है अजय देवगन, ये सब? देखिए ये विचित्र मानसिकता के लोग हैं, ये मानसिक दिवालियापन के लोग हैं। एक और देख लीजिए, अन्ना हजारे कुंभकर्ण के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। अरे कहाँ, किस गुफा में छुपा है भैया, आ जाओ इतिहास, अगर इतिहास में देखा जाएगा तो अन्ना हजारे को कुंभकर्ण 6 महीना के लिए सोता था, ये पता नहीं कितने दिन के लिए सोएगा, अब गिनीज बुक में नाम दर्ज कराएगा। कहाँ अन्ना हजारे पौने दो आँख वाला बाबा, खाली शहद में चीनी मिला के बेचिएगा, ऐ कह रहे किसानों के लिए भी सुनिएगा, सलवार पहन के जो भाग गया हो गया अमीर, और जो अंग्रेजों से माफ़ी मांगा हो गया वीर, और जो 10 लाख का सूट है, 5 लाख का बूट, 1.5 लाख की घोड़ी और 1.5 लाख की चश्मा पहनता है, 1.25 लाख का घोड़ी, तो कहता हम फक्कर फकीर झोला उठाएंगे चल जाएंगे, तो जाते क्यों नहीं? ये कहते हैं प्रधानमंत्री जी, माँ गंगा बुला रही है, माँ गोमती बुलाती है, माँ नर्मदा बुलाती है। अरे निकम्मो, आपको जसोदा बेन बुला रही है, जाओ, जिसको भरी जवानी छोड़ दिया आपने, ऐसा फायदा पहुंचा के आए, भरी जवानी बेचारी घुट घुट कर मर रही है। आज वही बात कह रहे हैं, हम किसानों के फायदा के लिए कह रहे हैं, ऐसा फायदा नहीं चाहिए। कौन है कपिल मिश्रा? वही कपिल मिश्रा है जो दिल्ली विधानसभा में कहा था कि प्रधानमंत्री जी सेक्स रैकेट में शामिल थे, उसका ऑडियो है, प्रधानमंत्री को ISI का एजेंट कह रहा था। क्या प्रधानमंत्री और भाजपा के लोग कपिल मिश्रा से डरे हुए? ये देश कपिल मिश्रा के बाप की बपोती है। कौन है कपिल मिश्रा?
दो कौड़ी के लुच्चा लफंगे को आप बना देते हैं आप लोग मीडिया के लोग ऐसे कि वो कपिल मिश्रा कौन है? अरे टिकट दिया बीजेपी, डरा हुआ था कि प्रधानमंत्री को सेक्स रैकेट में शामिल होने का आरोप लगाया था, प्रधानमंत्री पर ISI का एजेंट होने का आरोप लगाया था, इसलिए बीजेपी का लोग डरा हुआ है। देश का जनता थोड़ा डरेगा, हम क्यों डरेंगे बताओ? बिल्कुल, ये देखिए लंबी लड़ाई होगी। हमारे बाप दादाओं ने गोरों को भगाया था, अब हम देश की सभी आवाम को इन काले चोरों को भगाना होगा। जितना गोरे अंग्रेजों ने देश को नहीं लूटा उतना ये काले, एक बात बताइए, 103 साल पहले इसी गुजरात से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने थे बिहार में, जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चलता था, नील की खेती का विरोध किया था, आपने सुना होगा, सारी मीडिया कर रही है, चंद कुछ लोग बचे हैं जो आज किसानों को बदनाम करने वाले मीडिया के लोग दस दस आदमी को पकड़ के लाते हैं। आप किसान हैं? अरे तुम अपने किराए के टटुओं को लाके किसानों को बदनाम करते हो, ये नहीं चलेगा। बिल्कुल, रजत शर्मा, अर्णव गोस्वामी, अंजना ओम कश्यप जैसे लोगों की बात की जाती है, दीपक चौरसिया जैसे लोगों की बात की जाती है, तिहारी सुधीर, आप उस समय क्यों नहीं पूछते हैं तिहारी से, उसका मालिक जी ने, उसका मालिक सुभाष चंद्र 35,000 करोड़ रुपया लेके फुर हो जाता है। देश के नेता था, किसान भाई दिल्ली में नहीं आ सकते? सुधीर चौहान, एक बात बताइए, अब DNA क्यों नहीं कर रहा, हल्ला बोल क्यों नहीं हो रहा, आर पार क्यों नहीं हो रहा, पूछता है भारत? अरे थूकता है भारत, बंद कमरों में 4 आदमी से डिबेट कर लीजिएगा, कहिएगा पूछता है भारत, है ये भारत यहाँ दिख रहा है, आइए थूकता है भारत। एक बात, सुधीर चौधरी खुद तिहारी है, खुद सुधीर चौधरी का जो मालिक है सुभाष चंद्रा, भारतीय बैंकों का लुटेरा, जिसने भारतीय बैंकों में डकैती किया तो किसके सारे पर किया? नरेंद्र मोदी के सारे पर, जो भाजपा उसको राज्यसभा सदस्य बना के भेजी। क्या किसान का बेटा अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता? सुधीर चौधरी जैसे दो कौड़ी के लुच्चे लफंगे पत्रकार को ये नहीं पता कि देश में पढ़े लिखे एक से एक, लाल बहादुर शास्त्री भी किसान के बेटे थे, तो क्या वो पढ़े लिखे नहीं थे? एक बात बताओ, आज से पढ़े लिखे लोग हैं क्या? क्या भी एक बात बताइए, क्या किसान का बेटा कोट नहीं पहन सकता? क्या किसान का बेटा जींस नहीं पहन सकता? कैसे कैसे विकृत मानसिकता के लोग हैं ये? ये गाय के गोबर खाने वाले लोग, सुअर के गोबर न लीपने के न पोतने के वही हाल हैं। ये सरकार की दलाली में इतने मशगूल हैं कि जो भाजपा IT सेल स्क्रिप्ट लिख के देता है वही एजेंडा चलाते हैं। देवल बीजेपी में है ना, असर पड़ेगा ना? तारीख पर तारीख। अरे भैया हल निकालना है तो जनसंवाद लगाइए ना पार्लियामेंट सीट पर, शर्म आ रहा है क्या? दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है। एक बात बताइए, जब किसान कह रहे हैं, जब जो भाजपा अपने सदस्यता अभियान के लिए नंबर जारी करती है टोल फ्री नंबर, जो CA NRC के समर्थन के लिए नंबर जारी करती है, उस नरेंद्र मोदी जी को और कृषि मंत्री को, तारीपार गिरी मंत्री को क्या नंबर जारी करने में शर्म आ रहा है? इन बेशर्मों को, रंगा बिल्ला की जोरी को, हैं? ये चौकीदार चोरी नहीं, ये चौकीदार डकैत है, ये ठग ही नहीं महाठग है, ये आधुनिक भारत का जयचंद प्रधानमंत्री है जो अपने ही मुल्क को लूट रहा है।